कांग्रेस कार्यालय कृष्ण बल्लभ आश्रम में केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर प्रेस वार्ता किया गया। झारखंड पर्यवेक्षक सह प्रदेश प्रतिनिधि सुनील सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के मूल्य में गिरावट के बावजूद इनके दामों में केंद्र सरकार अप्रत्याशित वृद्धि कर रही है। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। कुछ राज्यों में इनके मूल्य शतक लगा चुके हैं तथा कुछ राज्यों में शतक के करीब है। यूपीए सरकार किसानों को अनुदानित मूल्य पर किरासन तेल की आपूर्ति कराती थी, जिससे किसान छोटे छोटे पंपों के द्वारा अपने खेतों की सिंचाई करते थे। आज किसानों को अपने खेत पटाने के लिए डीजल का उपयोग करना पड़ रहा है, जो छोटे किसानों के बजट पर भारी है। केंद्र सरकार गरीब लोगों को खाना बनाने के लिए गैस तथा चूल्हा बांट कर वाहवाही लूट रही है। वह एक बार गैस भरा सिलेंडर देती है। गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के कारण गरीब लोग दोबारा सिलेंडर भराने की स्थिति में नहीं है। उनके घरों में गैस चूल्हा तथा सिलेंडर शोभा की वस्तु बनकर रह गया है। डीजल के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि के कारण ट्रांसपोर्ट का भाड़ा बढ़ गया है, जिसके चलते खाने पीने के सभी सामानों के मूल्य बढ़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार से पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग करती है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईंधन टैक्स जीवी मोदी सरकार देश की जनता के लिए अभिशाप बन गई है। देश में लगातार पेट्रोल डीजल के कीमतों में वृद्धि हो रही है। अब हम यह कह सकते हैं कि बीजेपी का दूसरा नाम भयंकर जनलूट पार्टी हो गई है। एक तरफ चौतरफा महंगाई की मार है और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में भरमार है। हजारीबाग से सागर की रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस चुके प्रदेश समिति से आए हैं, क्या कुछ लेकर के ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? भारत के वर्तमान सरकार और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों के कारण भारत में अप्रत्याशित डीजल पेट्रोल और गैस की मूल्य वृद्धि के कारण देश के आम जनों में खलबली मचा हुआ है। लोगों के पास खाने की व्यवस्था नहीं है। इस मूल्य वृद्धि से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, यातायात भाड़ा बढ़ेगी, बहुत खलबली मचा हुआ है। देश में पहली बार इतना ज़्यादा मूल्य वृद्धि हुआ है। आज वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल 61 रुपये बैरल है और आज हम देश में 100 रुपये के पार डीजल पेट्रोल खरीद रहे हैं। किसान, मजदूर, नौजवान, मध्यम वर्गीय सभी लोग इस अप्रत्याशित महंगाई से त्राही त्राही कर रहे हैं। इसके खिलाफ़ में हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव साहब के आदेशानुसार निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 25 तारीख को प्रेस वार्ता, 26 तारीख को मशाल जुलूस और 27 तारीख को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना लोकतांत्रिक तरीके से करते हुए इस मूल्य वृद्धि का वापस लेने का विरोध आहूत की गई है।